सब्सक्राइब कीजिए हमारे स्वाद ऑफिशियल चैनल को और इस घंटे को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियोस मिस ना कर बैठे। इतनी बड़ी महामारी आई जिसने ना जाने कितने लोगों को भूखा सोने पे मजबूर किया, लेकिन ये एक ऐसी संस्था है जिसने सेल्फलेसली काम किया और आज भी वह करती आ रही है। और 5 रुपये के अंदर अगर आपको कोई भरपूर पेट खाना खिला रहा है तो यार ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। और कुछ भी हो, मसला तो सिर्फ रोटी का ही है। जिस देश में लगभग 20 करोड़ लोग हर रात भूखे सोते हैं, भूखे सोने वालों की एक तिहाई आबादी जिस देश में रहती हो, उस देश में भूखे को खाना खिलाने से बेहतर काम कुछ हो ही नहीं सकता, खासकर तब जब भूख सम्मान से भोजन देकर सिर्फ 5 रुपये में मिटाई जाए। हरिओम, मेरा नाम पंकज गुप्ता है और मैं देवदूत फूड बैंक, एक कम्युनिटी किचन है जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। इस किचन की शुरुआत हुई थी 14 अप्रैल 2018 में और ये किचन जो हमने शुरू की थी वो हुआ क्या था कि यहाँ पर जहाँ पे हम लोग इस समय खाना बांट रहे हैं, इस समय यहाँ पे इसके नज़दीक में ये एक डंपिंग यार्ड होता था जहाँ लोग कूड़ा कचरा डालने का स्थान, वहाँ पे क्या करते थे लोग अपना कूड़ा कचरा डालते थे आसपास के एरिया के लोग। और उसमें क्या होता था कि वहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी जो छोटे छोटे बच्चे या काफ़ी गरीब लोग जो है वहाँ पे आके जो कचरे में से ही, या आसपास में सब्जी मंडी है वहाँ सब्जी मंडी में से जो दुकानदार अपने फेंक देता है उसको साफ करके खाते थे, तो उसको देख के मन में बहुत ख़राब लगता था, बहुत बुरा लगता था। हम सब सक्षम लोग हैं, हमें परमात्मा ने 3 टाइम का खाना बड़े अच्छे से दिया है, हम अपने घर में पंखे में बैठ के, एसी में बैठ के आराम से खा लेते हैं और हम में से कुछ लोग उसमें से कुछ खाना वेस्ट भी कर देते हैं। तो ये वो लोग थे जो आपके ही फेंके हुए खाने को, आपके ही वेस्ट किए हुए खाने को उसमें से निकाल के खा रहे थे, जो बड़ा पेनफुल था, मतलब आप इसकी प्रैक्टिकल कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसको देख के जब बहुत मन ख़राब था तो मैंने एक दिन अपने छोटे भाई से, हम दो भाई हैं, मैंने अपने छोटे भाई से एक बार बात की और छोटे भाई ने को मैंने बताया कि इस तरह जिसको देख के बड़ी परेशानी होती है। तो मेरे छोटे भाई ने मेरी परेशानी को देखते हुए उसने कहा चलो हम एक काम करते हैं, कुछ लोगों के लिए हम एक व्यवस्था ऐसे करते हैं कि हम उसको खिलाना शुरू करते हैं अपने पास से, अपनी तरफ से। तो हमने शुरुआत में, 14 अप्रैल 2018 की बात है, हमने शुरुआत में लगभग 100 लोगों के लिए खाना बनाया जिसमें हमारा जो टारगेट था वही लोग थे जो जिनको खाना नसीब नहीं था या जिसको प्रॉब्लम थी खाने की, उन लोगों के लिए था। और हमने लोगों को बताया कि हम इस तरह का काम करना चाहते हैं, तो लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया कि क्योंकि हम एक दुकानदार भी हूँ, तो लोगों ने कहा कि एक दुकानदार ऐसे कैसे कर सकता है, एक छोटा सा वो है, एक दुकानदार कैसे ये काम कर लेगा और रोज़ की बात है, पैसा कहाँ से आएगा। मैंने बोला सब भगवान जी कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देंगे। लगभग 2 साल हो गए थे इसको चलते हुए, फिर सब लोग हमारे सपोर्ट में आ गए, बहुत सारे लोग हमें हेल्प करने लगे, सब लोग हेल्प करते थे तो ये अच्छे से चल पाता था। फिर बीच में ये कोरोना काल आया, कोरोना काल में तो हमने देखा कि परेशानियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई और कोरोना से पहले तक हम लोग लगभग 800,000 आदमी तक हम खाने पे पहुँचा चुके थे कि उतने लोग डेली खाना खाने आ जाते थे। अच्छा, हमने इसकी कीमत इसलिए रखी क्योंकि कीमत 5 रुपये कीमत इसलिए रखी ताकि लोगों को जो है स्वाभिमान बना रहे और किसी को भीख ना लगे। और 5 रुपये में हम खाना खिलाना बड़ी बात नहीं थी, हम खाना खिलाते थे पौष्टिक खाना, पौष्टिक में जो उन बड़ी इज्जत से खिलाते थे और खाना जो खिलाते थे वो हमने अपनी किचन बनाई, अपनी किचन से खाना बनता था तो बड़ा हाइजीनिक फूड है, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते थे, सोशल डिस्टेंस का, हाथ में ग्लव्स पहन के, मास्क, अभी जैसे कोरोना है, कोरोना में तो हमने अपनी जो प्रिकॉशंस है, साफ सफाई है, उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया। अगर किसी के पास 5 रुपये भी ना हो तो आप उसको खाना फ्री में दे देते? हाँ बिल्कुल, अगर किसी के पास 5 रुपये भी नहीं है और आके हमें बोलता है कि उसके पास 5 रुपये नहीं है तो वो निशुल्क खाना खा सकता है यहाँ पे। ठीक है, और अगर आपका, आपकी इस संस्था का कोई हिस्सा बनना चाहे, कोई सेवा करना चाहे तो वो कैसे कर? वो कैसे भी जुड़ सकता है हमारे साथ। हमारे साथ तीन चीज़ें होती हैं, तन से, मन से, धन से। तन से है कि हमारे यहाँ की वो सेवा कर सकता है क्योंकि डेली चलता है। हमने आज तक, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने एक भी छुट्टी नहीं किया आज तक इसमें, सिर्फ एक धुलहंडी को छोड़ के साल में एक दिन आता है धुलहंडी, उस दिन हम छुट्टी करते हैं, इसके अलावा हम कोई छुट्टी नहीं करते हैं। 12 महीने 364 दिन हम इसको चलाते हैं, सर्दी गर्मी बरसात को सभी मौसम में हमने खाना बांटा ही बांटा है। बीच में आप सबको पता है कि कोरोना आया, कोरोना में तो ये समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई, लोगों के पास रोज़गार नहीं था, उस समय हमें इंसान की और इंसानियत दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ऐसे में बहुत लोग हमें हेल्प करने के लिए आगे आए और सब ने हमें मदद की और हमने आसपास के बहुत सारे लोगों को इसमें फीड किया
तो जो मेन्यू है वो रोज़ चेंज होता है? हाँ, हमारा मेन्यू जो होता है, हमारा मेन्यू डेली बदल बदल के होता है, ताकि कोई भी आदमी बार बार उसी खाने को खा के परेशान ना हो। हम लोगों के स्वाद का और पौष्टिक का लंगर में जैसे होता है कि दाल चावल मीठा सब्जी अचार फ्रूट्स होते हैं, अक्सर मिक्स फ्रूट्स भी होते हैं, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही खाना होता है। देखा कितने साफ सफाई से यहाँ पे किचन में खाने को बनाया जाता है, और जो कुक यहाँ पे खाना बनाते हैं वो बिल्कुल प्रॉपर सैनिटाइजेशन के तरीके से खाना को बनाते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, मास्क पहनते हैं, कैप पहनते हैं, और उसके बाद जो है वो खाना बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है भगवान का नाम लेने के बाद। बात 5 रुपये की नहीं है, बात है जी स्वाभिमान की। जो भी बंदा 5 रुपये देता है वो हक से यहाँ पे खाना मांग सकता है। कोई कहता है चावल ज़्यादा दे दो, कोई कहता है दाल थोड़ी और डाल दो, कोई कहता है कि रायता दे दो, अगर मीठा होता है तो कोई हक से मीठा भी मांग लेता है। तो जो खाने वाला है उसको भी मतलब एक लगता है कि यार मैं भी पैसे दे के खा रहा हूँ, तो उसको भी ऐसा लगता है कि यार मतलब कि मैं किसी से मांग के खा रहा हूँ या मैं किसी से ले के खा रहा हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ लगी कि इन्होंने 5 रुपये की कीमत रखी है, जिसमें जो मर्ज़ी आए, जब मर्ज़ी आए, जैसे मर्ज़ी आए, जितना मर्ज़ी खाए, लेकिन उसका पेट भरना चाहिए, भूखा कोई भी नहीं रहना चाहिए। तो आई थिंक इस चीज़ के लिए मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। 5 रुपये में खाना मिलता है भरपेट, बहुत अच्छा होता है, हम लोग डेली खाते हैं यहाँ पर खाना बहुत अच्छा होता है। यहाँ अगर मैं खाता हूँ तो खाना स्वादिष्ट होता है, स्वादिष्ट होता है। कब आप रोज़ आते हो खाने के लिए? रोज खाने आते। क्या बात है, कहाँ पर काम करते हो? सब्जी मंडी। अच्छा, सब्जी ढोते हो आप? हम लोग लेबर हैं। ठीक है, आते हैं, चावल दाल राजमा रोज मिलता है, बदल बदल से मिलता है। ठीक है, मैं पानी बांटने वाला हूँ, आता हूँ यहाँ, 5 रुपये में खाना मिलता है डेली, स्वादिष्ट खाना 5 रुपये में खा के पेट भर जाता है आराम से, रोज अलग अलग खाना मिलता है भाई डेली भाई। मैं रोज आता हूँ, और हमारा रेगुलर जो टाइम है लंच ब्रेक का वो 1 बजे का है, तो यहाँ मात्र 5 रुपये में मेरे को जो यहाँ भोजन मिलता है वो बहुत स्वादिष्ट है, और डेली रूटीन में हमें जो यहाँ खाना मिलता है वो चेंज होता हुआ मिलता है, कभी दाल चावल या आज जैसे बिरयानी है, तो टेस्टी है, इस वजह से लोगों की भीड़ भी है और अच्छा भी लग रहा है खाना। हम 5 रुपये में भोजन करते हैं यहाँ पे, मैं बराबर वाली शॉप पे काम करती हूँ, तो 5 रुपये में अच्छा खाने को मिलता है यहाँ पे, कभी दाल चावल तो कभी जैसे कि आज दाल चावल है, बिरयानी है। तो सुबह हम लोगों को प्रॉब्लम होती है खाना बनाने में, तो हम यहीं पे खाना खा लेते हैं, घर में खाना बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और 5 रुपये में बहुत अच्छा खाना मिलता है। हम अपना 5 रुपये में अच्छा सा पेट भर जाता है, अच्छे से खाना खा लेता हूँ, और स्वादिष्ट खाना होता है, बढ़िया। खाने की शुरुआत होगी जी सैनिटाइजर से, उसके बाद ही हम खाना खाना स्टार्ट करेंगे। तो ये है जी वो थाली, इसकी कीमत है मात्र 5 रुपये, और 5 रुपये में इतना अगर पौष्टिक आहार मिल जाए तो आई थिंक आपको कुछ भी नहीं चाहिए। रिव्यू इसका हम बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जिस भाव से इसको खिलाया जा रहा है वो अपने आप में ही बहुत चीज़ें बयां करता है। तो साथ में हमने तवे की रोटी ली है, और हमें मिली है जी यहाँ पे दाल चावल है, साथ में रहता है, सिरके वाले प्याज है, और एक ये फ्रूटी है। इन सब की कीमत ये सिर्फ 5 रुपये ले रहे हैं, आई थिंक सैल्यूट है जी इनको, और जिस भाव और जिस प्रेम से यहाँ पे ये खाना खिला रहे हैं, आई थिंक वो भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। आई थिंक अपनी तरफ से मैं इनको सिर्फ दोनों हाथों से सैल्यूट ही कर सकता हूँ, और सबसे अच्छी बात है कि जो मेन्यू है वो रोज़ चेंज होता है, कभी राजमा चावल है, कभी बिरयानी है, कभी मरती है, कभी जलेबी है, कभी कढ़ी चावल है, मतलब बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आप कभी भी गुड़गांव में हो ना और मौका मिले ना, तो एक बार देवदूत फाउंडेशन, नीचे सारा एड्रेस लिंक में मैं आपको दे लिंक भी दे दूंगा, गूगल लोकेशन भी दे दूंगा, आइएगा, खाइएगा, और इस संस्था का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसकी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दूंगा, आप इस संस्था का भी हिस्सा बन सकते हैं। तो जो मेरी खाने की तलाश है वो हमेशा की तरह यूँ ही जारी रहेगी, और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप खाते रहिए, खिलाते रहिए, और दिल लगाते रहिए। अगली बार मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नई जगह पे, एक नए
खाने की तलाश में।